कोरोना वायरस का खौफ जिस तरीके से पूरी दुनिया भर में छाया हुआ है, उसके बाद से रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, भारत जैसे देश अपनी अपनी वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि रूस का ये दावा है कि उसने अपनी वैक्सीन बना भी ली है, रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है और अक्टूबर तक वो अपनी वैक्सीन का प्रॉपर प्रोडक्शन भी शुरू कर देगा। हालांकि भारत में भी दो ऐसी वैक्सीन हैं जिनका कि सेकेंड फेज का ट्रायल खत्म होने वाला है, तो सवाल अब ये उठ रहा है कि भारत भी रूस की राह पर चलते हुए तीसरे ट्रायल को स्किप करते हुए इसका प्रोडक्शन शुरू कर देगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। लेकिन हम ये बात क्यों कह रहे हैं? दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने संसदीय समिति के सामने ये कहा कि अगर सरकार चाहे तो भारत में बन रही दो वैक्सीन के लिए आपातकालीन मंजूरी पर विचार किया जा सकता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? कैसे ये मुमकिन है? इन तमाम सवालों का जवाब देगी हमारी ये रिपोर्ट, तो देखिए। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि ICMR ने संसदीय समिति के सामने आखिर कहा क्या। दरअसल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि अगर सरकार फैसला करे तो कोरोना वैक्सीन टीके को आपात मंजूरी पर विचार कर सकता है। ICMR के महानिदेशक ने संसदीय समिति से कहा है कि देश में विकसित किए जा रहे COVID-19 की वैक्सीन के दो टीकों के दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल परीक्षण लगभग पूरा हो चुका है और केंद्र सरकार के फैसला करने पर किसी भी टीके को आपात मंजूरी देने पर विचार किया जा सकता है। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों को ये बताया कि भारत की बायोटेक कैडिला की वैक्सीन परीक्षण के अलग अलग वैक्सीन ट्रायल के स्तर पर है। भारत बायोटेक और कैडिला के विकसित किए जा रहे टीकों का दूसरे चरण का परीक्षण लगभग पूरा होने वाला है और तीसरे फेज के ट्रायल को पूरा होने में कुछ वक्त लगेगा। दरअसल वैक्सीन के परीक्षण में तीन ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। पहले चरण में 100 लोगों पर परीक्षण किया जाता है, दूसरे चरण में सैकड़ों लोगों पर कम से कम 2 महीने तक परीक्षण किया जाता है और तीसरे चरण में हजारों लोगों पर तकरीबन 6 से 9 महीने तक परीक्षण किया जाता है। भारत में किसी भी वैक्सीन को द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO मंजूरी देता है, चाहे वो भारत की हो या फिर किसी और देश की। हर वैक्सीन को एक जैसी प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है, लेकिन असाधारण स्थिति में किसी वैक्सीन को बिना तीसरे फेज के ट्रायल के भी मंजूरी मिल सकती है, लेकिन ऐसा होना बेहद मुश्किल होता है। हालांकि कोरोना महामारी ऐसी ही असाधारण स्थिति है। वहीं भारत की वैक्सीन भारत में कोरोना के संक्रमण और उसके अलग लक्षण को देखकर ही बनाई गई है। यही वजह है कि CDSCO से लेकर ICMR ने सरकार को वैक्सीन की मंजूरी देने की सिफारिश कही है। हालांकि किसी भी तरह की मंजूरी से पहले सरकार की राय लेना बेहद जरूरी है। जैसे कि रूस की वैक्सीन तीसरे ट्रायल से पहले ही उत्पादन के लिए तैयार हो गई, ठीक वैसे ही भारत भी रूस की तरह वैक्सीन ला सकता है। आसान शब्दों में कहें तो कोरोना वायरस महामारी के विकराल रूप लेने के मद्देनजर अगर सरकार वैक्सीन के लिए तयशुदा सभी प्रोटोकॉल्स में ढील देते हुए उसे जल्दी से लॉन्च करने का फैसला करती है तो ICMR इस पर विचार करेगी। ICMR ने बताया कि देश में बन रही दो कोरोना वैक्सीन फेज 2 के महत्वपूर्ण क्लिनिकल ट्रायल को तकरीबन पूरा कर चुकी हैं। मीटिंग में हिस्सा लेने वाले सांसद के मुताबिक यह भी पूछा गया कि लोगों को अभी इस महामारी के साथ कितने वक्त तक रहना पड़ेगा। तब ICMR के प्रमुख भार्गव ने जवाब दिया कि आमतौर पर फाइनल ट्रायल में 6 से 9 महीने तक का वक्त लग सकता है, लेकिन अगर सरकार फैसला करती है तो इमरजेंसी ऑथराइजेशन पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि आमतौर पर किसी टीके को विकसित करने में 1 साल या उससे भी ज्यादा का वक्त लग सकता है, लेकिन महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए तमाम देशों में क्लिनिकल ट्रायल्स के चरणों की अवधि कम रखी जा रही है। लेकिन इसके बाद भी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल दिसंबर तक चलने की संभावना है, तो क्या ऐसे में भारत रूस के नक्शे कदम पर जाएगा? ये अहम सवाल है। हालांकि भारत के लिए अपनी दो वैक्सीन्स को आपातकालीन मंजूरी देना बहुत आसान नहीं होने वाला है, लेकिन रूस ने जिस तरीके से अपनी वैक्सीन्स पर कॉन्फिडेंस दिखाया है उसके बाद से भारत भी अपनी वैक्सीन्स को लेकर उत्साहित है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि तीसरे फेज के ट्रायल के बिना किसी भी वैक्सीन को मंजूरी दी जानी चाहिए? क्या ये घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है या फिर रिस्की हो सकता है? आप अपनी राय जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।